सबसे अमीर मंदिर में सबसे बड़ी साजिश की। हिंदुओं के जिस मंदिर पर लोगों की सबसे ज्यादा आस्था है, उस तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसा अनर्थ हुआ कि पूरा हिंदू समाज हिल गया, सरकार हिल गई और एक पूर्व मुख्यमंत्री का तो पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर लग गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू विवाद की। आंध्र प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। तिरुपति लड्डू विवाद पर एक्शन भी तेज है। FSSAI ने AR डेयरी को भेजा कारण बताओ नोटिस। उधर आंध्र प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट तलब कर दी। सभी मंदिरों से गाय के घी की जानकारी मांगी गई है। तेलुगु देशम पार्टी, जिसकी आंध्र प्रदेश में फिलहाल सरकार है, उसने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक पवित्र मिठाई यानी कि विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू को बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से इस मुद्दे पर सियासत जमकर जारी है। मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, लिहाजा इसकी गूंज साउथ इंडिया से लेकर दिल्ली तक सुनाई गई। इन सब के बीच विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर का नियंत्रण हिंदू समाज को सौंपे जाने की मांग कर दी। तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के स्वरूप, पूरा देश क्या पूरी दुनिया की श्रद्धा, सनातन के प्रतीक और उनके लोकप्रिय लड्डू में अगर इस तरह की मिलावट की चर्बी की चर्चा भी हो, ये शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है। वहां के मुख्यमंत्री ने इस विषय को उठाया है। मैं उम्मीद करूंगा इस पूरे मामले की जांच होगी और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सनातन भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं है। ये आरोप लगाया किसने? NDA भाजपा के सहयोगी दल तेलुगु देशम ने, उसके मुख्यमंत्री ने, कि उसमें बीफ सहित तमाम ऐसी चीजें हैं जो फैटी, और लगाया किस पर है? जो दूसरा भारतीय जनता पार्टी को, जिसको सहयोगी दल के रूप में हमने देखा है राज्यसभा और लोकसभा में। सनातन धर्म की बात करने वालों ने जो पाप किया है लापरवाही से या जानबूझकर, अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए कोई इन्हें माफ नहीं करेगा। मैं भाजपा, तेलुगु देशम और जगन रेड्डी की पार्टी तीनों को दोषी मानता हूं। तो लड्डू पर रिपोर्ट आने के बाद से ही बवाल जारी है, तो सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्व सरकार और जिस उसके अफसर जिद पर अड़े थे, उनको तो 320 रुपए के हिसाब से घी खरीदना था। सस्ते के चक्कर में जो घी खरीदा गया उसमें घी कम और जानवरों की चर्बी ज्यादा मिली गई। चर्बी ने आस्था पर ऐसी चोट की कि अब भक्तों की चीख निकल रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ बड़ी बातें बताते हैं। तिरुपति बालाजी के लड्डू को साक्षात भगवान का प्रसाद कहा जाता है। इसमें अद्भुत दैवीय स्वाद होता है। ऐसा दावा है कि ऐसे लड्डू कहीं और नहीं बनते। आप कहीं पर भी चले जाइए, ऐसे लड्डू नहीं मिलेंगे। ऐसे लड्डू कहीं और भी नहीं मिलते, ये लोगों का भी कहना है। ये भी कहा जाता है कि लड्डुओं का जो प्रसाद ग्रहण किया जाता है तो तिरुपति बालाजी के दर्शन का पुण्य नहीं मिलता। आरोप है कि बालाजी के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिला दी गई। बालाजी के लाखों भक्त महीनों तक मिलावटी लड्डुओं का प्रसाद खाते रहे। यह आरोप किसी ऐरे गैरे ने नहीं लगाए हैं, यह आरोप सूबे के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लगाए। सबूत के तौर पर CM ने साइंटिफिक लैब की दो दो रिपोर्ट दे दी। उधर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम के साथ साथ साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी से लेकर शंकराचार्य तक ने लड्डू विवाद पर बड़ी बात कही। बड़ा मामला है, क्योंकि तिरुपति जैसे स्थान में जहां पर कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों के की आस्था को चोट पहुंचाने का और उनकी पवित्रता को खंडित करने का ये प्रयास किया गया है, इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, दुर्लभ मामला है और इसमें तत्काल जांच होकर के तत्काल दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ
धर्माचार्यों को अब अपना दायित्व तो संभाल करके वहां पे खड़े हो जाना चाहिए। जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं पूजा की पाठ की राग की भोग की वो धर्माचार्यों के नियंत्रण में और उनकी देखरेख में ही होनी चाहिए। यह है जो मांस और तेल पाए गए इसी की बात है, इसी की चर्चा हुई। दंडनीय अपराध है और इस पर उसको दंड देना चाहिए। जो इस तरह से हमारे जो सनातन धर्म है उस धर्म को विनष्ट करने के लिए प्रयास किया उस पर यह कार्यवाही होनी चाहिए, यही मांग है। और इस मामले को लेकर अब आंध्र प्रदेश सरकार एक्शन में नजर आ रही है, कई कदम भी उठाए गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD के कार्यकारी अधिकारी ईओ को तिरुमाला मंदिर के लड्डू प्रसादम को लेकर उठे घी विवाद पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा TTD के ईओ जल्द ही आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू को रिपोर्ट देंगे। सरकार धार्मिक परिषद के नेताओं के सुझाव और रिपोर्ट्स के आधार पर मंदिर शुद्धिकरण और प्रतिष्ठा अनुष्ठान करने का फैसला ले सकती है। आंध्र प्रदेश सरकार परिषदों की सिफारिशों के आधार पर आगे बढ़ने की योजना बना ली। तो जहां एक ओर लड्डू पर इतनी लड़ाई हो रही है तो वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का इस प्रसाद को लेकर के क्या कुछ कहना है वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। जो भी जो गलत काम किया ना उन लोग पे ऊपर इंक्वायरी डाल के जो ऑयल जो इस्तेमाल किया उन लोग को अच्छे से जो जानकार करके उन लोग को 100% उसको जो एक्शन लेना है, उनको गवर्नमेंट के ऊपर जो अधिकारी है कौन है उसके ऊपर एक्शन लेना है। ये बहुत बड़ा देवस्थान है इस भारत देश में के और अदर कंट्रीज के लाखों करोड़ों लोग इस बालाजी भगवान को मानते हैं, हर साल यहाँ आते हैं। तो कृपया करके इस बड़े संस्थान का और भगवान का नाम कोई भी खराब न करे। जो गवर्नमेंट चेंज हुई ना उसके बारे में अभी सराहनीय बात है और बहुत अच्छा काम है कि पहले जो टेस्ट थी लड्डू की अभी उससे बहुत बेटर है और बहुत अच्छी है। पहले लड्डू का हमने महाराष्ट्र में भी न्यूज सुना था लेकिन हमने अभी खुद टेस्ट किया है, लेकिन अभी उसमें और अभी के टेस्ट में बहुत फर्क है और अभी का टेस्ट बहुत बढ़िया है। हमको यहाँ पे ऐसा लगा कि पहले से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई है और बहुत सुचारू रूप से हर आदमी को दर्शन हो रहे हैं और जो आदमी इतनी दूर से आता है इतनी लाइन में लगता है उसके बाद उसको इतने अच्छे दर्शन होते हैं तो वो आदमी खुश होके जाता है।